welcome to another episode of the Enactus India show, only on Zee Business with me, Vibha Sachdev. Enactus ek aisi global non-profit organization hai jo aaj aur kal ke top leaders ko ek common platform par lakar is duniya ko behtar aur zyada sustainable bana rahi hai. Aaj hum aapko Enactus World Cup ki ek jhalak dikhane wale hain. Ji haan, Enactus World Cup jo abhi haal hi mein Canada mein Toronto mein hua tha aur isme khaas ye hai कि इंडिया की टीम सारी दुनिया की Enactus की टीम्स के साथ कंपीट करके रही फर्स्ट रनर अप. तो चलिए देखते हैं Enactus के वर्ल्ड कप की ये झलक. छत्तीस देशों में प्रेजेंट 70,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 5,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 5 मिलियन वॉलंटियर आवर्स और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ Enactus. एंटरप्रेन्योरियल एक्शन अस. Enactus एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स और बिजनेस लीडर्स सब एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड और समाज में पिछड़े लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान करता है और बनाता है उन्हें सशक्त. स्टूडेंट्स के इस जज्बे को सलाम करने के लिए Enactus वर्ल्ड वाइड हर साल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करता है जहां Enactus कंट्रीज के नेशनल विनर्स अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं और इन लोगों के बीच में कोई घर ले जाता है वर्ल्ड कप ट्रॉफी. Enactus वर्ल्ड कप इस बार पहुंचा कनाडा के टोरंटो में 26 से 28 सितंबर के दौरान, जहाँ करीबन 3500 स्टूडेंट्स, बिजनेस लीडर्स और अकेडमिशियंस ने शिरकत की. इवेंट की शुरुआत हुई Enactus के एक्स प्रेसिडेंट एल्विन रोड्स के मोटिवेशनल मैसेज से. फ्रॉम सो मेनी कम्पीटिंग टीम्स अराउंड द वर्ल्ड, द फाइनल फोर टीम्स वर फ्रॉम कनाडा, जर्मनी, इंडिया एंड नाइजीरिया. कनाडा की मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड को इस साल का विनर अनाउंस किया गया. वहीं इंडिया से शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज फर्स्ट रनर अप रहे. SSCBS पहले दो बार भी वर्ल्ड कप तक पहुँच चुके हैं. Enactus इंडिया शो में आज हम आपको जो दो प्रोजेक्ट्स दिखाने वाले हैं वो वेस्ट से जुड़े हैं. जी हाँ, सिर्फ वेस्ट से ही लोगों की मदद की जा रही है. तो किस तरह से ये की जा रही है, ये काफी काबिले तारीफ है. सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं चंडीगढ़ और मिलवाते हैं Enactus GGDST की टीम से जो कि वेस्ट अपसाइक्लिंग कर रही है. आपने वेस्ट रिसाइक्लिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये वेस्ट अपसाइक्लिंग कर रहे हैं और क्या है ये पूरा प्रोसेस और कैसे ये लोगों की मदद कर रहे हैं, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में. पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है. अपनी शहरी डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पूरे विश्व में भारत का पहला नियोजित शहर के रूप में जाना जाता है. यहाँ की कला, वास्तुकार और विश्ववादी संस्कृति का सम्मेलन देखते ही बनता है और इसी बात को साबित करता है 2016 का स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसके मुताबिक चंडीगढ़ भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है. मगर देश में साफ शहरों में से एक होने के बावजूद शहर के सुंदर औपचारिक रिसाइक्लिंग सिस्टम के लिए कोई पहल नहीं की गई है. चंडीगढ़ में प्रतिदिन नगर निगम क्षेत्र में औसतन 350 टन सॉलिड वेस्ट उत्पन्न होता है, जिससे जूझ रहे हैं खासकर यहां की झुग्गियों में रहने वाले लोग जो आज भी विकास से वंचित हैं और गंदगी और गरीबी के बीच अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं. The vision of Enactus GGDSD is to focus on three of the United Nations Sustainable Goals. First one is cleanliness, second one is empowering women, and third one is eradicating poverty. चंडीगढ़ की प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज, जहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल एक्टिविटीज, एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है. यहां के कुछ स्टूडेंट्स ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए साल 2015 में शुरुआत की Enactus की. We are Enactus GGDSD. We create sustainable businesses. We add values to life of others. We apply knowledge to face challenges. सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स से शुरू किया गया Enactus GGDSD में आज 30 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हैं. ये स्टूडेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, मगर इन्हें साथ जोड़ता है Enactus. Enactus GGDSD अपने प्रोजेक्ट नवृद्धि के जरिए चंडीगढ़ में रह रहे जरूरतमंद लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है.
नवृद्धि अपने आप में ही कहता है कुछ नया कुछ बेहतर। जब हमने नवृद्धि शुरू किया था हम शायद सिर्फ 5 या 6 लोग थे जिन्होंने जिनकी लगन और जिनकी मेहनत से आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है कि हम 80,000 इसका जनरेट कर चुके हैं और कुछ 19 विमेन की लाइव्स चेंज कर चुके हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हम डाल चुके हैं। इनैक्टस GGDST के स्टूडेंट्स ने चंडीगढ़ के उपनगरों का जायजा किया और देखा कि स्लम एरियाज में गंदगी को लेकर अनदेखी हो रही है। अपनी अनुसंधान और अध्ययन में उन्होंने पाया कि शहर में कचरे की नहीं बल्कि उसके प्रबंधन की समस्या है और इसी समस्या ने जन्म दिया प्रोजेक्ट नवृद्धि को साल 2016 में। प्रोजेक्ट नवृद्धि अनमैनेजेबल वेस्ट को अपसाइकल करने का एक प्रयास है। चंडीगढ़ अभी नेशनल सर्वे में भी 2nd नंबर पे आया था। इसका रीजन है लैक ऑफ सेग्रीगेशन। हम लोग सोर्स पे सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, जबकि मैसूर जो कि सीनियर सिटी ऑफ इंडिया है वो सोर्स पे सेग्रीगेशन कर लेते हैं। फिर हमने जब MC की रिपोर्ट पढ़ी इसके बारे में तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सेक्टर 25 सिटी का डिच बन गया है, सारी सिटी अपना कचरा यहाँ डंप कर देती है। तो आगे हमने फर्दर रिसर्च कैरी आउट किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टैब्लिश किया सेक्टर 25 के स्लम एरिया में, वहाँ की औरतों को लेते हुए ताकि हम लोग वहाँ से सोर्स पर जहाँ डिश बनाए वहीं पे वेस्ट सेग्रीगेट कर लें ताकि ऑर्गेनिक टॉक्सिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं उसे सेग्रीगेट किया जा सके और फर्दर उसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। द प्रोसेस वी यूज़ इज कॉल्ड अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग बेसिकली होता है किसी भी सब्सटेंस का इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करना, चाहे वो कचरा हो चाहे वो कुछ नया सामान हो। साल की ममता पिछले कई सालों से सेक्टर 25 की झुग्गी में रह रही हैं। संगीता के पति पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो 4,500 रुपए महीना कमाते हैं। इतनी कम आय होने के बावजूद भी ममता ने अपनी बेटी को पढ़ाई से दूर नहीं रखा, मगर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में हो रही दिक्कत को देखते हुए ममता अपने पति के घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहती थी। और तब अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए एनएक्टस GGDST के स्टूडेंट्स, जिन्होंने सेक्टर 25 में रह रही ममता जैसी कई महिलाओं की जिंदगी में रोशनी भरी। पहले तो हम कुछ भी नहीं करते थे, अब जब से काम आया प्रोजेक्ट कराने थोड़ा बहुत 8-9 महीने हो गए, थोड़ा बहुत हो ही रहा, खर्चा चल ही रहा। एनएक्टस के स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे और इन्होंने हमें कुछ नया करने को सिखाया, कचरे से बनाना सिखाया। उससे हम कुछ बना के आइटम्स तो 500-600 रुपए कमाते थे। उसके बाद अब हमारा जो है 2,000 तक का चले गया बजट, हम अपना घर का खर्चा इससे निकाल लेते हैं। प्रोजेक्ट नवृद्धि के अंतर्गत इनैक्टस GGDST स्लम एरिया में रह रही महिलाओं के साथ मिलकर काम करता है। काम कर रही महिलाएं कचरे से डेकोरेटिव मटेरियल बनाती हैं। ये जो आप मिरर्स विंड चाइम्स देख रहे हैं ये सब रद्दी में फेंक दिए गए सामान से बनाया गया है। इन आइटम्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसे नेक्स्ट GGDST की टीम रद्दी वाले और म्यूनिसिपैलिटी से खरीदते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में काफी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे 15 लेडीज से स्टार्ट किया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 16, 17, 18 कोई अगर गए हैं तो अब टोटल 19 लेडीज हमारे साथ काम करती हैं। इनको सिखाया जाता है, हमने अपनी खुद की क्राफ्टिंग बनाई है अपने स्टूडेंट्स में से, जो हम हर हफ्ते वॉलंटियर करते हैं इनको सिखाने के लिए। हम इनैक्टस के स्टूडेंट्स हैं, 2-3 मंथ्स में हम यहाँ पर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनके साथ, फिर उसके बाद मार्केटिंग करते हैं हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स की, और जो भी प्रॉफिट एंड जनरेट होता है वो इन लोगों का आता है। हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जब फेस्टिवल्स आने होते हैं तो इनके साथ हम लोग मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि ये लोग और ज़्यादा स्किल्ड होकर ये अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाए और अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर पाए। इस प्रोजेक्ट की सेलिंग और मार्केटिंग स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है। प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिके इसलिए स्टूडेंट्स चंडीगढ़ की प्रसिद्ध मार्केट में स्टॉल्स लगाने के अलावा डोर टू डोर सेलिंग भी कर रहे हैं। यही नहीं, ये स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम इन झुग्गियों में सैनिटेशन और हाइजीन की वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। जब विमेन सारे प्रोडक्ट्स बना लेती हैं उसके बाद हमारे इनैक्टिव स्टूडेंट्स का काम मार्केटिंग का शुरू होता है। मार्केटिंग के लिए हम लोग अलग अलग सेक्टर्स की मार्केट्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि सेक्टर 18 की मार्केट, उसके अलावा हम लोग सेक्टर 17 प्लाजा, इलांटे मॉल, द मेन क्राउडेड प्लेसेस ऑफ चंडीगढ़ को हम लोग टारगेट करते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। इसके अलावा जब भी फेस्ट होता है हमारे चंडीगढ़ में, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, वहाँ पर हम अपने स्टॉल्स लगवाते हैं
और उसके थ्रू फिर हमारी सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की। हम लोग डोर टू डोर सेलिंग भी करवाते हैं। डोर टू डोर सेलिंग से हम लोग पीपल को अवेयर करवा सकते हैं अच्छे से पर्सनल लेवल पर कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये सारा काम से हम इनएक्टिव के स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये होता है कि हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। सच्ची लीडर की पहचान उसके जज्बे, लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी से पता की जा सकती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि यही नाम कल के लीडर्स में शुमार होंगे। इनएक्टिव में हमारे पास फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं एंड वी हैव थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आल्सो। फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक इतना ग्रोथ आया बच्चों में, मतलब दे वो हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हैं, राइट फ्रॉम मेकिंग अ थिंग टू सेलिंग अ थिंग टू एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है जानना, जो एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्टअप खुद करता है, वो हर बच्चा मेरा इनएक्टिव का यहाँ पर सीख रहा है। एक्चुअली ये बहुत सारे इवेंट्स में गए हैं, जैसे जैसे इवेंट्स में जाते गए इनकी इंट्रैक्शन जो है वो मेगा बहुत अच्छे लेवल पर हुई, जितनी इंट्रैक्शन इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। ये सब चीज़ें सिर्फ पढ़ाई में या फिर क्लासरूम स्टडीज़ में नहीं हो सकती थी, ये लोग बहुत एक्सपोजर लेकर इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर डेवलप करी हैं। प्रोजेक्ट नवृद्धि पर काम कर रही इन महिलाओं ने अपनी आमदनी में 500 से 800 रुपए तक का इजाफा देखा है। ये अमाउंट सुनने में भले ही छोटी लगे पर जिन परिवार से ये महिलाएं बिलोंग करती हैं उनके लिए 800 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। तो प्रोजेक्ट नवृद्धि वाकई में प्रूव करता है कि एक छोटी सी कोशिश भी कई जिंदगियों को बदल सकती है। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्हें मदद की जरूरत हो। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं इनएक्टिस ML धानुकार मुंबई की यंग टीम। इन्होंने अपनी कैंटीन में जो हेल्पर्स हैं उनकी तो मदद की ही, साथ ही उन्हें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी काम कर रहे हैं एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए। तो चलिए इस रिपोर्ट में ये जान लेते हैं क्या है इनका ये प्रोजेक्ट और किस तरह से ये लोगों की मदद कर रहे हैं। My students have grown from strength to strength because of our project Ankur. I have seen them join in the very nascent stage the project and bahut hi zyada wo unka connect establish hua hai because of Ankur. They are connected to the ecosystem, they are understanding the functioning of the garden. इसके वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। उनके पर्सनैलिटी स्किल, डेवलपमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इम्प्रूव बिकॉज दे कैन प्रेजेंट द प्रोजेक्ट ऑन एन नेशनल प्लेटफॉर्म। ये थी करिश्मा देसाई, इनएक्टस ML धानुकर की फैकल्टी एडवाइजर। ML धानुकर में इनएक्टस की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और तब से इनएक्टस इन स्टूडेंट्स को ऐसे सुनहरे अवसर प्रदान करता आ रहा है जो इन्हें एक बेहतर और सशक्त नागरिक बनाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पर काम करके अपने बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार रहे हैं। इनएक्टस के पहले पूरा बिजनेस का आइडिया नहीं था, एक बिजनेस मॉडल कैसा होता है हमने सिर्फ थियोरिटिकल पढ़ा था, बट इनएक्टस में आने के बाद हम लोग को पूरा एज एन पर्सन और एज एन होल बिजनेस आइडिया भी चेंज हुआ है। पहले हमने सब थियोरिटिकल पढ़ा था बट अभी हम लोग को उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दिखता है और एज एन पर्सन भी। पहले मैं ज़्यादा आई वॉज वेरी शाय बट आफ्टर कमिंग टू इनएक्टस वी वर बाउंड टू टॉक विद सर्टन पीपल, सो मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़े। भोजन की कमी, खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दे हैं जिससे भारत ही नहीं विश्व के कई देश जूझ रहे हैं। और कहते हैं ना, चेंज स्टार्ट्स विद यू, और इसी बात को ध्यान में रखकर ML धानुकर ने शुरुआत की प्रोजेक्ट अंकुर की। प्रोजेक्ट अंकुर, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट अंकुर का एम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। प्रोजेक्ट अंकुर का एम था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को अवेयर करना, जहाँ अभी लोग वेस्ट जो है वो ऐसे रीयूज़ नहीं करते, वो ऐसे ही रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जो वेस्ट है वो रीयूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक लाइक न्यूट्रिशियस रहते हैं प्लांट्स के लिए। प्रोजेक्ट का मकसद शुरुआत में था ML धानुकर को जीरो वेस्ट कॉलेज बनाना। समय के साथ ही प्रोजेक्ट बड़ा होता गया और अब कई जिंदगियों को छू रहा है। इनएक्टस ML धानुकर एक ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहा है जिससे विभिन्न कम्युनिटीज और लोकैलिटीज फॉलो करके अपने आसपास की जगहों को जीरो वेस्ट बना सकती हैं।
इसके लिए इनएक्टस के स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज की छत पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग की शुरुआत की, जिसमें वो कॉलेज कैंटीन से निकलने वाले वेट वेस्ट को न्यूट्रिशियस फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। एडिबल गार्डन को ग्रो करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्राकृतिक जल संरक्षण और इफेक्टिव वेट वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, उन लोग को अवेयर करने के लिए इनएक्टस MLDC बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है। लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बट विदाउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स पता नहीं है। वी अंडर इनएक्टस MLDC एंड अंडर प्रोजेक्ट अंकुर आर ट्राइंग टू फिल दैट वैक्यूम। वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग उनको जाके सिखा रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप्स ले रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो दैट वो लोग खुद अपना ऑर्गेनिक फूड ग्रो करें, खुद खाएं, जिनसे उनके मील्स में या फिर उनके आहार में न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़े। इस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स वेस्ट सेग्रीगेशन की ओर काम कर रहे हैं, साथ ही कैंटीन बॉयज चिंटू और बबलू की आय में भी इजाफा हुआ है। हम लोग बच्चों के साथ इधर ऊपर टेरिस पे आकर हम लोग इधर काम करते हैं और हम लोग एक खाद वगैरह बनाकर उसमें पेड़ पौधे लगाए, साथ में तो हम लोग का फायदा होता ही है और हम लोग इसका काम करते हैं तो इसका पैसा भी हम लोग को मिलता है। मैं दानूगढ़ कॉलेज में कैंटीन में काम करता था, बाद में इधर गार्डन में काम करता हूँ। काम करने में मुझे थोड़ा अच्छा लगा बच्चों लोग को साथ में, तो मेरा आमदनी भी इधर बढ़ गया है। ऑर्गेनिक गार्डन में जो भी सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं इनएक्टस उसे कॉलेज कैंटीन, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को सेल करता है। इसके अलावा फ्यूचर में ये स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट्स और होटल से भी टाई अप करने का प्लान कर रहे हैं। हम लोग का रेवेन्यू जनरेशन टू पार्ट से है, वन इज थ्रू वर्कशॉप और वन इज थ्रू ऑर्गेनिक वेजेस सेलिंग। सो जो ऑर्गेनिक वेजेस हम ग्रो करते हैं वो उसके लिए हम लोग को कॉलेज से टीचर से और बहुत सारे स्टाफ से डिमांड है। एंड सेकेंडली वी आर कंडक्टिंग वर्कशॉप, एज फार एज नाउ वी हैव कंडक्टेड 8 वर्कशॉप जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है 11,000 एंड थ्रू सेलिंग ऑफ वेजेस वी हैव जनरेटेड 7,330 रुपीज। एंड गुड्डू एंड बबलू जो हमारे बेनिफिशरीज हैं दे आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड, उनका नॉर्मल जो इनकम था वो 5,000 था और व्हेन दे वर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंकुर उनका इंक्रीज हुआ है 5,000 से 8,700, दैट इज इंक्रीज ऑफ 3,700 रुपीज इन देयर नॉर्मल इनकम। यही नहीं, इनएक्टस ML धानुकर NGO अर्पण जो कि अडल्ट्स विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन ऑटिस्टिक लोगों की सोशल स्किल्स और ऑटिज्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। Now what happens in a place like this, although we're very small, but we do generate a lot of kitchen waste. And we were also wondering, I mean, you know, we're generating all this waste, what on earth can we do with this? So they came to us at a very timely time when we were wondering what to do. So they came, they conducted a workshop, they showed us how to repot our kundis, our little garden that we have outside. And this has been very beneficial to us to be a part of that sustainability movement. So we're hoping we can take this forward. We're hoping that the people in the community around us, because they see us and they see what we're doing with our kitchen waste. So we're hoping that they will also pick up, and the Enactus folks have been extremely valuable in helping us to learn how to move this forward.